मास्टर फर्राटा, ये करता हूँ हर काम नाप नाप के, फिर ये घड़े की गर्दन मेरी गर्दन में कैसे घुस गई बिना नापे। कल फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, अब A1 एजेंसी का क्या होगा, इतनी जल्दी दूसरी ड्रेस कैसे बनेगी नाप नाप के। अब A1 एजेंसी की ड्रेस नहीं बनेगी और Z+ एजेंसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन जीत जाएगी। अब रेस में कोई अकेला दौड़ेगा तो जीतेगा ही ना, नॉट जस्ट जोकिंग। किसी ने भी किया हो ये, लेकिन मेरा नाम भी है टेलर मास्टर फर्राटा। चलो कोई दूसरा गार्डन ढूंढो। ओफो भल्ला अंकल, आप चिंता मत कीजिए, टेलर अंकल ने कहा है कि वो देर रात तक दूसरी फैंसी ड्रेसेस सिलकर हमें दे देंगे। और उससे नहीं सिल पाई तो मेरा क्या होगा, मेरी A1 एजेंसी का क्या होगा, कल की कंपटीशन का क्या होगा। अरे होगा क्या, मेरा नाम भी फर्राटा है, ये रही आपकी फैंसी ड्रेसेस नाप नाप की। सब अपने अपने हैंड्स अप कर लो और जिसके पास जो जो कीमती सामान है निकाल निकाल कर मुझे दे दो। एक मिनट जी, हैंड्स अप करेंगे तो कीमती सामान कैसे निकालेंगे जी। ओके, हैंड्स डाउन, अब सब लोग अपना अपना कीमती सामान निकालो। मेरे पास तो केवल 5 रुपए हैं, और वो भी चाय पीने के लिए कई दिनों से बचा कर रखे थे, ये लो तुम ही चाय पी लो। और मेरे पास तो मेरी यही गहने हैं, ले लो ये ले जाओ, लेकिन बंदूक मत चलाना। अरे गहने क्यों दे रही हो, वो तो सब नकली हैं। तुमने मुझे नकली गहने दिए, हाय हाय कंजूस कहीं के। ओके ओके, लड़ो मत, फिलहाल तो मैं ये फैंसी ड्रेसेस ही ले जाता हूँ। एक्सक्यूज मी डाकू जी, और जरा अपनी मूछ ठीक कर लो, ये निकल रही है। गन और मूछ दोनों नकली हैं, मेरी तरफ से तुम रख लो इन्हें। ओ थैंक यू जी। चाचू पकड़ो उन्हें, ये तो Z+ एजेंसी के चड्ढा अंकल है। चाचू जल्दी करो, तेज चलो। ओए भतीजे, ओ ये तो फास्ट जा ही नहीं रहा है। ओ ध्यान से भाई। ओए भतीजे तू ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ चाचू, और आप? ओए मैं ठीक हूँ भतीजे, लेकिन अब हम क्या करें, वो चड्डा तो फिर से ड्रेसेस लेके भाग गया। चलो मास्टर फर्राटा के पास चलते हैं, शायद वो फिर हमारी कुछ मदद कर सके। चाचू ये क्या चक्कर है, यहाँ तो हर पेड़ पौधे की फूल पत्तियाँ गायब हैं, इतने सारे पेड़ पौधों की पत्तियाँ आखिर गायब कैसे हो गयी। उई हाँ, बात तो सोचने वाली है।
बैटरी लो बैटरी लो, फूल पत्ती घास बैटरी लो, फूल पत्ती घास चाहिए। चाचू इसका मतलब इन्हीं लोगों ने सारी फूल पत्तियाँ खाई हैं। लगता है इन्हें फूल पत्तियों से एनर्जी मिलती है। आप जल्दी से कुछ फूल पत्तियाँ ले आइए। ओ फिक्र लॉर्डपति जे, अभी लाया। वाह वाह वाह, क्या सजावट की है हमने। वाह, हमारे गेस्ट लोग आने ही वाले हैं। स्टेज शानदार दिखना चाहिए। इतनी मेहनत से मंच सजाया था, सारे फूल पत्तियां कहां गए? एवन एजेंसी वालों ने इतनी जल्दी इतनी शानदार फैंसी ड्रेस बनवा ली, अभी बताता हूँ। भाई और बहनों, स्वागत कीजिए जेड प्लस एजेंसी का। और अब नंबर है A1 डिटेक्टिव एजेंसी का। प्लीज वेलकम टू A1 एजेंसी। Please welcome to A1 Agency. चाचू ये चड्ढा अंकल की चाल है। ओए पति जे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चाचू फिलहाल तो आप ये सोचिए कि हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकले। ओए हाँ पति जे, जल्दी सोच वरना तो कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा। हाँ। आइडिया, अगर मैं इस रोशनदान तक पहुंच जाऊं, तो बाहर की तरफ कूदकर लॉक तोड़ सकता हूं। लेकिन हम इतने कम लोग हैं कि इतना ऊंचा पिरामिड भी तो नहीं बना सकते। क्या करें? A1 एजेंसी। ओए परपति जे, ओए बाहर जाके पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे पास ड्रेस भी तो नहीं है। चाचू ये एलियन उनकी ड्रेस हमें दे रहे हैं। लगता है A1 डिटेक्टिव एजेंसी अब फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लेगी। अरे फैंसी ड्रेस बहुत महंगी आती है, उन्हें खरीदना A1 एजेंसी के बस की बात नहीं है। तो दर्शकों, कुछ ही मिनटों में मिलते हैं फाइनल रिजल्ट्स के साथ। दोस्तों तुम्हारी वजह से हम परफॉर्म कर पाए, थैंक यू। अच्छा भतीजे, अब हमारे जाने का समय हो गया। हमें पूरा यकीन है कि तुम ही जीतोगे। हाँ? तो ये असली एलियन थे। ए, रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बाय बाय दोस्तों, जल्दी करो निकलो। रुको, भागते कहाँ, रुक जाओ। थैंक यू दोस्तों, फिर आना। और हमारी आज के फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन के विजेता हैं A1 एजेंसी। नहीं, ये सब धोखेबाज हैं। इन्होंने चीटिंग की है, असली एलियन की ड्रेस पहनकर इन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लिया है। लगता है चड्डा साहब हार का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसीलिए कुछ भी बोल रहे हैं। इन्हें ले जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। चीटिंग तो इसने करी है, बार बार A1 एजेंसी वालों की ड्रेसें चुराकर। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? ओए हाँ पतीजा।
रुपए थे पर्स में, वो फुटबॉल मानव ले गए। फुटबॉल मानव? सारी बात हमारी समझ में आ गई भल्ला अंकल, लेकिन पहले आप ठीक से तो बैठ जाइए, फिर हम उन फुटबॉल मानवों को ढूंढते हैं। तुम्हें बनाकर मुझे बहुत मजा आया। अब हम पूरा का पूरा फंटूस नगर लूट लेंगे और चाचा भतीजा हमारा कुछ नहीं कर सकेंगे। ओए भतीजे, ओए सुबह से उन फुटबॉल मानवों को टूटते टूटते थक गए, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चला। जिधर जाते हैं लुटे पिटे लोग ही मिलते हैं, वो नहीं मिलते, और अब तो जोरों की भूख भी लग रही है। तो चलो चाचू, पहले चलकर गर्मा गर्म जलेबी खाते हैं, फिर उनको ढूंढेंगे। मनमोजी, और तूने मुझे फुटबॉल से मारा, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ कि असली किक क्या होती है। तू क्या किक मारेगा चाचा, ये मेरे फुटबॉल पूरे शहर को किक मार कर आ रहे हैं। अगर हिम्मत है तो आजा, अपने सारे साथियों को भी ले आ और मेरे साथ एक फुटबॉल मैच खेल के दिखा। ओए, मुझे मंजूर है। तो ठीक है, एक तरफ तू और तेरे सारे साथी होंगे और दूसरी तरफ मेरे प्यारे फुटबॉल। बोल, डरेगा तो नहीं? ओए, डर फर क्या होता है, ये तो मैं तुझे दिखा दूंगा। चल आजा मैदान में। ओए चाचू, ये क्या कर रहे हो? वो फुटबॉल साधारण फुटबॉल्स नहीं, रोबोटिक है। इन्हीं फुटबॉल्स ने पूरे शहर में लूट मचाई हुई है। कह दो हमें मंजूर नहीं, हम इन फुटबॉल से निपटने का कोई और तरीका ढूंढेंगे। ओए अब चाहे जो भी हो जाए भतीजे, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो कर दी। हम जहाँ खड़े हो जाते हैं, मैच वहीं से शुरू होता है। अब बावड़ी बूझ, कानून के हाथ और बंदूक नी की लात से कोई ना बच सके है। मारी मैडम जी को गोल गोल चक्कर घिन्नी की तरह घुमा रिया है। अब भी तन्नत देखो। ओए हटो पीछे। ओए अब देख मनमौजी के असली केक क्या होती है। ये! Yeah!
मेरे फुटबॉल्स तो कैरम भी अच्छा खेल लेते हैं। भतीजे कुछ कर। आइडिया, भाग लो। मन मौजी करता है खोज और उड़ाता है मौज। मैडम जी, मेरी जेब से पूरे 50 रुपये वो फुटबॉल मानव निकाल के ले गया। ओ बावड़ी बूझ, ओ मेरी तो पूरी सैलरी निकाल ले गए। इब मैं के करूं? वही बंदूकड़ी जी, वो तो मेरा भी पर्स ले गए। एक तो पैसे चले गए और ऊपर से मार भी खानी पड़ी। ओ हाँ भतीजे, और इब जल्दी से सोच कि उस मनमौजी की वो फुटबॉल्स कैसे छीनी जाए, वरना तो वो पूरे शहर को लूट लेगा। ओए भतीजे, कोई चटपटा आइडिया निकाल। आइडिया। हमने सुना है कि तुमने रोबोटिक फुटबॉल्स बनाया है, जिसका मदद से तुमने पूरे शहर को डरा रखा है। हाँ हाँ बिल्कुल, शॉर्ट में कहूँ तो ये मेरी फौज है और इसके दम पर मैं इस शहर का डॉन बनने वाला हूँ। डॉन? ओए चाचे पति जगह रहते हुए ये कभी नहीं हो सकता। ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, कौन हो तुम? ये हमारा दोस्त है, इसको पता है कि चाचा भतीजा इस शहर का बहुत बड़ा जासूस है, वो तुमको डॉन कभी नहीं बनने को देगा। अरे कहाँ के बड़े जासूस है, मैंने चाचा भतीजे को तो क्या उनके बॉस भल्ला को भी अपनी इन्हीं फुटबॉल से दौड़ा दौड़ा कर पिटवाया है। और इब हम तन्ने पीटने आए हैं, भैंस की पूछ। आपने कुछ कहा? वो कह रही है आप तो बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हो, बहुत ही महान हो, पावरफुल हो, इंटेलिजेंट हो। वेल, क्या आप हमें ये फुटबॉल बेच सकता है? नो, मैं अपना इतना शानदार आविष्कार बेच नहीं सकता। पर हम तुमको इन फुटबॉल के बदले में 100 करोड़ रुपया देंगे। 100 करोड़? 100 करोड़? हाँ हाँ, और भी ज्यादा दे सकता है, बोलो कितना चाहिए? रहने दो सर जी, फिलहाल तो मैं 100 करोड़ से ही काम चला लूँगा। 100 करोड़ में तो मैं ऐसे हजारों लाखों फुटबॉल्स बना लूँगा। आप मेरे सारे फुटबॉल्स ले जाओ और मुझे 100 करोड़ दे दो। ठीक है, हम लोग 100 करोड़ साथ में ही लाया है, लेकिन हमको तुम्हारे फुटबॉल्स का डेमो देखने को मांगता है। ओके, अभी डेमो देता हूँ, बोलो किसको पिटवाना है? पैसे हम दे रहा है तो ट्राई भी हम ही करेगा, और चीज तुम्हारा है तो तुम पे ही ट्राई करेगा ना। मुझ पर क्यों? डेमो देखना है तो दीवारों पे ट्राई करो, पत्थरों पे ट्राई करो, लोहे के खंभों पे ट्राई करो। नो, उसके लिए हमारे पास एक से एक बढ़िया रोबोट है, बुलडोजर है, क्रेन है, उसके लिए हम तुमको 100 करोड़ क्यों देगा? हमको इंसानों पे ट्राई करना है। नाउ बोलो, 100 करोड़ चाहिए के नहीं? चाहिए, 100 करोड़ चाहिए। ठीक है, आप ट्राई कर लो, मुझे पे ट्राई कर लो। बस, हो गया, डेमो हो गया, बस करो। बस इतनी बड़ी रकम के लिए इतना कम डेमो? रकम 100 करोड़ है सर, 100 करोड़। ठीक से डेमो चाहिए, कुछ करतब, कुछ खलाबाजी, कुछ एक्शन। अब तो डेमो मिल गया ना, अब लाओ मेरे 100 करोड़ और मुझे पिटवाना बंद करो, बंद करो। बस करो, मैं जान गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, तुम कोई विदेशी व्यापारी नहीं हो सकते, तुम लोग चाचा भतीजा ही हो। मुझे जानबूझ के पिटवा रहे हो। ओए अब जान ही गए हो तो ये भी जान लो
के चाचा भतीजा के रहते हुए तुम फंटूश नगर के लोगों को कभी परेशान नहीं कर पाओगे। काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा। फंटूश नगर में है दो मत वाले, दिखते हैं भोले भाले पर है ये हिम्मत वाले। पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा, बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। चाचा और भतीजा, चाचा और भतीजा, चाचा और भतीजा।